हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोगों का ढेर सारा प्यार मिले, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, नोन हैं, रिलेटिव हैं, अगर आप उनके टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका इंतजार करें, जहां भी आप जाने वाले हैं लोग आपका वेट करें, आपके फ्रेंड्स आपका वेट करें, तो ये कैसे हो सकता है, आज हम लोग इसी को समझेंगे। मेरा नाम विवेक राठौर है, मैं ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि लोग हमें पसंद करने लगे, लोग हमें बहुत रिस्पेक्ट दें, इम्पोर्टेंस दें, वैल्यू दें, वेट करें हमारा। आज हम इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको 6 स्टेप का एक प्रोसेस शेयर करूंगा। अगर आप ये 6 स्टेप का प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो जो भी हमने आपको प्रॉमिस किया है, ये चीज आपकी लाइफ की रियलिटी होगी। सो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, दैट इज बी अ गुड लिसनर। हम में से ज्यादातर लोग स्पीकर अपने मन की बात बोलने में तो हम लोग बहुत तेज होते हैं, लेकिन सुनने में हम लोग बहुत कमजोर होते हैं। और यही एक पॉइंट है जो बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। अगर आप सुनेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। तो एक एक्टिव लिसनर बनिए, एक अच्छे लिसनर बनिए। जब भी आप किसी से बात कीजिए, पूरा अटेंशन उनको दीजिए और सुनते समय कुछ और मत सोचिए, पूरा सुनिए। ये एक बहुत इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, जिसकी वजह से आप लोगों के दिल में जगह बनाना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, जिससे भी आप बात करें, आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए, लोगों में इंटरेस्ट लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप में लोग इंटरेस्ट लें, तो पहले आपको शुरुआत देने से करना होगा। आपको दूसरों में इंटरेस्ट लेना होगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, नोन है, रिलेटिव है, जिनसे भी आप इंटरेक्ट करते हो, आप उनको जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो अच्छे इंटेंशन के साथ। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करो, बातचीत करो, आपने उनकी खूबियों को ऑब्जर्व करो, उनमें जो भी खासियत है आप उसको ऑब्जर्व करो और डायरेक्टली सिंपली उसको कन्वे करो। आप किसी की स्पीकिंग अच्छी स्किल अच्छी होती है, किसी में कोई क्वालिटीज होती है, किसी में कोई क्वालिटीज होती है, ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जिसमें कोई क्वालिटी ना हो। तो आप एक्टिव लिसनर बनिए, उनमें इंटरेस्ट लीजिए, जो भी उनमें क्वालिटीज आपको दिखे आप उसको अप्रिशिएट करने की, कन्वे करने की आदत डालिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 4, कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में किसी से भी आप बात कर रहे हैं, कई बार हम लोगों को उनकी कमियां ऑब्जर्व होती है, तो उनकी जो कमियां हैं उनको शेयर करना इसको अवॉइड कीजिए। क्योंकि नॉर्मली हम लोग उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते अपनी कमियों को सुनने के लिए। वो एक बहुत अलग स्टेट ऑफ माइंड होता है जब हम लोग रेडी होते हैं, लेकिन ऐसा कम होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि किसी की कमी आपको ऑब्जर्व भी हो रही है तो आप उसको वहां पे उसको डायरेक्टली शेयर मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। अगर आपको शेयर करना है तो एक राइट टाइम का वेट कीजिए। बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप अवॉइड कीजिए। ये आपका काम नहीं है किसी को उसकी कमी बताना, जब तक वो खुद आपसे पूछे ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, जो कि कहता है कि नेवर मेक एनी आर्गुमेंट। कभी भी किसी रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो तो आर्गुमेंट से बचिए, बहस से बचिए, उससे कोई फायदा नहीं होता है, उसको अवॉइड कीजिए हर हाल में। क्योंकि देखिए, अगर कोई ऐसी चीज जिससे कोई फायदा नहीं होता है तो होती है बहस, आर्गुमेंट, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। लेकिन कभी भी आप वो मौका ही मत दीजिए किसी को कि वो कोई आपसे आर्ग्यू करे। अब मैं आपको बताता हूँ सीक्रेट नंबर 6, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिसिंग द गिविंग माइंडसेट। देखिए, कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में जाइए, कोई भी आपका फ्रेंड हो, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हो, क्लाइंट हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, नेबर हो, आप एक गिविंग माइंडसेट को समझिए। गिविंग माइंडसेट का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करें, बातचीत करें, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि क्या मैं इनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं इनकी किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। सो इसको बोलते हैं गिविंग माइंडसेट। क्योंकि एक बार ये आपकी इंटेंशन होगी तो आप जिससे भी आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, ये सामने वाला फील कर लेता है। और ये इसकी वजह से जो आपकी जो इंपॉर्टेंस है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो वैल्यू उनकी लाइफ में, ये बहुत बढ़ जाती है। सो इन 6 फैक्टर्स का ध्यान रखना है आपको। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में शेयर कीजिए, वो हम आपके लिए बना के शेयर करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।